मेरे प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से हैं। आज के इस क्लास में मैं जनाब अशफाक आपका खैर मकदम करता हूँ। इस सबक में हम चंद खेलों के नाम सीखेंगे और गौर करेंगे कि उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, खेल, खेल का क्या मतलब है? हाँ, गेम्स, दे जे। तो बच्चों, खेल किसी सहन या खेल के मैदान में खेला जाता है, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल फुटबॉल के मैदान में खेला जाता है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस किसी हॉल में खेला जाता है। फुटबॉल, हाँ, फुटबॉल एक खेल है। ये खेल दो टीमों के दरमियान खेला जाता है। अक्सर इतवार को फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल मैच होती है। तो बच्चों, फुटबॉल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी यानि जुएर, प्लेयर्स। और इस खेल में क्या होता है बच्चों? इस खेल में खिलाड़ियों को गोल करना होता है। आपने देखा होगा कि फुटबॉल मैच में सभी खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हैं और गोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मुझे यकीन है कि आप फुटबॉल ज़रूर खेलते हैं। तो याद रखिए, फुटबॉल एक खेल है। फुटबॉल के अलावा रस्सी कूद भी एक खेल है। रस्सी कूद यानी सुतला कूद। लड़कियां ये खेल खूब खेलती हैं और रस्सी कूद सेहत के लिए बहुत अच्छा खेल है। बच्चे भी रस्सी कूद पसंद करते हैं। तो बच्चों, रस्सी कूद एक खेल का नाम है। बास्केटबॉल, ये खेल भी दो टीमों के दरमियान खेला जाता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? शाबाश। बास्केटबॉल की हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल हाथ से खेला जाता है और गेंद को ऊंचे जाल में डालना पड़ता है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भी एक दिलचस्प खेल है और ये खेल भी हाथ ही से खेला जाता है। वॉलीबॉल खेलते वक्त हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और इस खेल में एक टीम को दूसरी टीम के यहाँ गेंद गिराना होता है। वॉलीबॉल के अलावा बैडमिंटन भी एक खेल है। बैडमिंटन, बैडमिंटन 2 या 4 खिलाड़ियों के दरमियान खेला जाता है। ये खेल ज़्यादातर मैदान में नहीं खेला जाता है, बल्कि किसी हॉल में उसे खेलते हैं।
बैडमिंटन में खिलाड़ी को बुलंद जाल के ऊपर शटल को दूसरी तरफ गिराना होता है। छुपा छुपी। बच्चों, क्या आपने इस खेल का नाम सुना है? छुपा छुपी या आँख मचोली भी कहते हैं। आँख मचोली ये भी एक खेल है। इस खेल में कई बच्चे होते हैं। एक बच्चा आँखें बंद करता है और बाकी बच्चे छुप जाते हैं। और वो बच्चा जो अपनी आँखें बंद करता है वो अपने दोस्तों को ढूंढता है जो किसी जगह छुपे होते हैं। तो याद रखिए, इस खेल को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, छुपा छुपी या आँख मचोली भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने उर्दू में चंद खेलों के नाम सीखे। आप एक खेल का नाम बता सकते हैं? हाँ, फुटबॉल। फुटबॉल एक खेल का नाम है। बास्केटबॉल भी एक खेल का नाम है। खेल यानी बन जे। अब आइए एक साथ खेल के नामों को बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल। रस्सी कूद, रस्सी कूद। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। बैडमिंटन, बैडमिंटन। आँख मचोली या छुपा छुपी। फिर से पढ़ते हैं। फुटबॉल, रस्सी कूद, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, छुपा छुपी या आँख मचोली। अब आप अपनी कॉपी में नकल कीजिए बच्चों। मेरे अजीज बच्चों, अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। तो सबसे पहले हिदायत पढ़ते हैं। चंद खेलों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, आपके लिए एक मिसाल दी गई है, फुटबॉल। अब आपको और चार खेलों के नाम लिखना है। देखते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल एक खेल का नाम है। और ये देखिए बाकी खेलों के नाम। रस्सी कूद, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो मेरे अजीज बच्चों, चलते चलते मैं आपको चंद मशवरे देता हूँ।
करके कौन सा है। सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल निहायत ही अहम है। खेल हमारी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है और खेल हमारे जिस्म और दिमाग को ताज़ा रखते हैं। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो बच्चों, अपने जिस्म का ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नियामत हैं। जब जिस्म और दिमाग सेहतमंद होंगे तो हम पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी ले सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खेलों के नाम पर हमारा ये सबक यहीं पे ख़त्म होता है। अब उस्ताद अशफाक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।